गंदा लगता है, जान पहले बचाओगी कि पहले साफ सफाई करोगी? अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है, उसमें तो पत्ता उत्ता गिर जाता है ना। बचा हुआ है तो फ्राई कर देंगे, ये सब देख करके भूंज देंगे तो बच्चा लोग मेरा खा लेगा दोपहर में, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो और कुछ हम बना नहीं सकते हैं। बाबू हम बाहर रहते हैं तो देखिए, सब अच्छा है, तुम्हें सब अच्छा है, तुम अच्छा हो। हाँ देखा, सब लोग बोलता है तुम्हारा पति इतना बेचारा है। अगर इसके पास पहले से बैलेंस था, ठीक है, तो जब मेरे लाइफ में आया तो उसमें अपने बैलेंस का इस्तेमाल करना चाहिए था ना। कि हम क्यों ही ब्याह करेंगे ऐसी लड़की से, बताओ बताओ। हमें प्यार में अंधा, प्यार खत्म हो गया, अभी बार नजर नहीं आता। नमक की हो जो हरकत, वो दिखा सबको। क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया? ठंड में कोई ऐसे छोटी बच्ची के साथ करता है? अभी हैप्पी हो, करवा दे, नहीं करवाए तो बोल दे मम्मा को। ठीक है चलो मम्मा को बोल देते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और दोस्तों 7:30 बज गया है, सुबह हो गई, लेकिन जो चक्रवात जो उठा है, मिचोंग चक्रवात, आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, उसका असर शुरू हो गया है और बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। मैं आप लोगों को अपने पीछे दिखाता हूँ, ये देखिए बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई है। आप लोगों को बैक कैमरे से मैं दिखाता हूँ। पता नहीं शगुन स्कूल कैसे जा पाएगी, शगुन का स्कूल जाने का टाइम हो गया। तो ये देख के बैक कैमरे से बूंदाबांदी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और मौसम विभाग ने भी बताया था कि बारिश हल्की हल्की होगी, पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। कल भी पूरा दिन बादल छाया था, है ना, और ठंड अचानक से बढ़ गया है। स्पेशली बड़े बुजुर्ग और बच्चों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस मौसम में, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि आज और कल घरों से कम निकले। और मेरी मगुन रानी रेडी हो गई है स्कूल के लिए, सुबह ब्रेकफास्ट कर रही है मेरी मगुन रानी। मेरा पिंगा, कृष्णा पिंगा ही है। ओ बाहू, आप सभी का स्वागत है। जयंता भी साहब ने बता रहे, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। महारानी कुकिंग एंजॉय कर रही है, क्योंकि थोड़ा वहाँ गर्म लग रहा है चूल्हे के पास। ये मेरा किक्को है, किक्को सुबह सुबह उठ गया है। किक्को क्या कर रहा है? हाँ, इसके अंदर किक्को का भूख सवार हो जाता है, उसके बाद ढाई 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 पिटाई शुरू। रात भर नहीं सोने दिया हम लोग, रात भर नहीं सोने दिया। क्यों 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 कर रहा था? और शगुन खा रही है रोटी और पालक पनीर, कल बनाई थी वो बचा हुआ था। पालक पनीर खत्म हो गया, पनीर इसका भी फेवरेट है, इसका भी है, मेरा भी है। ये तो खाती है इसको, कुकड़ू की फेवरेट, इसका फेवरेट है कुकड़ू को। क्या कर रही है यार? बारिश स्टार्ट हो गया तुम फिर भी लगी हुई हो यहाँ, गंदा लगता है। जान पहले बचाओगी कि पहले साफ सफाई करोगी? चलो चलो अंदर चलो, पानी स्टार्ट हो गया। क्या तोड़ना? दो ही बीन्स है लेकिन बिना खाद दूध का है, तुम क्या समझोगे? तो ना फट फट कितना स्लो करते, एक साथ दो तीन नहीं, ऐसे टक टक होता है। हो गया साफ, इतना पत्ता गिरता है ना इसका, अब तो इसका फूल उल भी गिरने लगा है, तो बहुत ज्यादा गंदा एकदम दिखता है। देख रहे हैं, एक घंटा में एक काम होगा। मैं सर से तो तोड़ो ना, तो प्याज का पत्ता और बीन्स जो तुड़वा रहे ना दोस्तों, देखिए प्याज का पत्ता भी काफी अच्छा ग्रोथ हो गया, तो इसको इसलिए तुड़वा रहे क्योंकि कल का थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, तो फ्राई कर देंगे, ये सब देख करके भूंज देंगे तो बच्चा लोग मेरा खा लेगा दोपहर में, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो और कुछ हम बना नहीं सकते हैं। बाबू हम बाहर रहते हैं तो देखिए वो भी बाहर है, तो यही कारण है कि बच्चा लोग को हमको लेके अंदर बैठना ही पड़ता है। तो एक झोंका में इधर हम झाड़ू वाड़ू लगा दिए, क्योंकि गंदा रहता तो वो भी ठीक नहीं लगता है देखने उखने में। हम ना जल्दी जल्दी से ब्रश भी कर लिए दोस्तों, इतना ठंडा बाहर मौसम है ना, पैर पूरा ठंडा हो गया। वैसे हम पहने हैं विंटर वाला पजामा, लेकिन मेरा पैर ऐसा है ना कि जब उसको कवर करके हर समय रखना पड़ता है तो ही ठीक है, ना तो कोई फायदा नहीं है। अबे मेरा मोजा ला दो, तो मोजा होगा वहाँ तो ना, कहाँ मोजा है? नहीं यहाँ पे रखे थे बाहर, जहाँ कपड़ा फैला ना वहाँ पे, तो इसको जा रहे पैक करेंगे है।
नहीं है, कहाँ रख दिया यार, एगो मोजे मेरा वो भी कहाँ रख दिया, यही किया कहीं, अभी वही था वही देखे थे, यही हटाया कहाँ कर दिया। अब हम क्या, हाँ चेयर पे देखो ना, हमने उठ सकते, मेरा पैर पूरा ये हो गया, मिला दो, खुद याद नहीं रखेगा कहाँ रखेगा, नहीं रैक पे था, मिल गया, ये पिछले साल का है। ब्रेकफास्ट करना तुमको? हाँ तो काहे नहीं करेंगे, बनाए हैं, मैं पूछ ऐसे रहा जैसे बाबू साहब ने बनाया है। ये ले यार। हाँ चाय को गर्म करना होगा थोड़ा, ग्लास में ही चाय गर्म नहीं, जरूर मुझे बैठ के खा लो। अरे बहुत ठंडा रहे। चलो ना फिर यहाँ क्या गंदा करना है, यहाँ तुम रहोगी दिन। चटाई ले जाओ तो। किसु किसु एक गाना सुनो ना, मेरे बाबू ने चाय पिया, ये वाला गाना गाइए गन्ना, बाबू ने चाय पिया, बाबू ने थाना थाया, कहता नहीं बाबू ने घास खाया, रोटी और भुजिया बना ना, इसका मुंह बहुत चिकना गया खा खा के, कुछ ही बोल रहा, अंडा उंडा का कुछ नहीं बना है, कहा कल लाया है एक ट्रे अंडा, इसके लिए अब अंडा बनेगा खाली, अंडे पे पड़ा हुआ, रोटी और भुजिया नहीं खाएगा। क्यों जलाया लाइट? तो बस सिंपल भुजिया बनाए, क्योंकि लेट हो गए थे हम भी आज उठने में, ठंड बहुत है ना, तो किसी तरह उठे 7 बजे उठे, नहीं 6:30 बजे उठे, 7 बजे जल्दी जल्दी चढ़ाए हैं, तो रोटी और ये भुजिया बना पाए, एक क्या समझे, सोया रहता है बस, दांत घिसेगा और हम बोले जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करो, तो इधर इधर पूरा झाग लगा के, कम से कम झागवा तो पोंछ लेता मुंह वाला, झाग तो सबको ब्रश करते वक्त होता है, नहीं होता, ब्रश करते वक्त झाग होता है ना, सभी को होता है, होता है तो क्या हुआ, जब कर रहा तो पूरा, अब अभी देखे बनाया क्या वीडियो, तो ऐसा देख रहे पूरा, कोई बुराई नहीं है ना, तो पूरे सब अच्छा है, तुम्हें सब अच्छा है, तुम अच्छा हो, हाँ देखा सब लोग बोलता है तुम्हारा पति इतना बेचारा है, तुम बेचारा हो, देख रहे हैं बेचारा आदमी रोटी से ग्लास को पकड़ा है, इतना बेचारा है, खोपड़ी में बैलेंस नहीं बा, बैलेंस कहाँ से रहेगा, बैलेंस तो सब खत्म कर दिया इसने, मैंने खत्म किया, और इस हम अगर इसके पास पहले से बैलेंस था ठीक है, तो जब मेरे लाइफ में आया तो उसमें अपने बैलेंस का इस्तेमाल करना चाहिए था ना, कि हम क्यों ही ब्याह करेंगे ऐसी लड़की से, बताओ बताओ, हमें प्यार में अंधा, प्यार खत्म हो गया, अभी बार नजर नहीं आता, संसार नजर नहीं आता, जब प्यार होता है, अभी इसका प्यार खत्म हो गया इसलिए अभी इसको सब नजर आता है, जो नहीं है वो भी, अरे बहुत अच्छा लग रहा है भुजिया रोटी, भुजिया रोटी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम जो कारनामा की हो, जो हरकत, वो दिखा सबको, क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, ठंड में कोई ऐसे छोटी बच्ची के साथ करता है, सब दिमाग में सवार हो जाता, फितूर डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाती है, इतना अंग्रेजी हमको नहीं समझ में आता है, वैसे हम सच में कुछ किए हैं, एक सप्ताह हो गया इस बात को, आप सब तक अभी तक नहीं पहुंचा है, तो कुछ वीडियो क्लिप्स रखे हैं आप सभी के लिए, यही है, हम तो इसको जो बोले वो करवाया, तो काय ने अपना खोपड़िया इस्तेमाल किया, क्या खोपड़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गाली खाना है, मर्द वही खुश रहता है जो पत्नी की बातों को मानता है, सनम एक शायरी अर्ज कर रहा हूँ, तुम जो कहोगी वही बात कहेंगे, सनम दिन को रात कहोगी ना तो रातें कहेंगे, फिर भुला कैसे जाता है कभी कभी, अगर यही फॉर्मूला हमेशा अप्लाई रहे तो इसका जीवन हमेशा सुखी रहेगा, बढ़िया खाना बढ़िया सारा कुछ रहेगा। तो शगुन आ गई है यहाँ पे सलोन में, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, और सलोन में आने के पीछे का रीजन क्या है कि सलोन को अपने बाल हटाने हैं, पूरा मुंडन कराना है, क्यों कराना है ये रीजन शगुन खुद बताएगी, शगुन क्यों करवा रही हो, इसके मम्मा बोली कि और घना बाल आएगा मुंडन कराने से तो बड़ी होगी, उसके पहले करवा लो, हैप्पी हो, करवा दें नहीं करवाएं, तो बोल दे मम्मा को, ठीक है चलो मम्मा को बोल देते हैं, इसमें ये क्या बता क्या, तो शगुन अब चेयर पे बैठ गई है हॉट सीट पे, और तुम तो चेयर पे ऊपर बैठ गई शगुन, और इधर पिंटू जी स्टार्ट कर दिए हैं प्रोसेस, तो शगुन के नए बाल आएंगे और अच्छा सिल्की स्मूथ बाल आएगा, वैसे ये बाल भी इसका काफ़ी, इसकी मम्मा मेहनत करके काफ़ी बड़ा हो गया था ना पिंटू जी, इसके एज और इसके हाइट के हिसाब से बाल इसका बहुत ग्रो किया,
नीचे देखो बेटा, हाँ सर झुका के, वेरी गुड। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सब मशीन से हो रहा है। अरे वाह, अरे वाह, सो स्वीट, गुदगुदी लग रहा है सगुन को। सगुन स्माइल कर रही है, ऐसे को देखना कितना घना बाल आ गया सगुन इस बार। ज़्यादा हिलना हिलाना नहीं है सर को, सर को कांस्टेंट रखो, है ना। मशीन में तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुरंत हो जाएगा सर को। इसकी मम्मा एक्सपेरिमेंट करती रहती है अपना बाल पे, उसका भी बाल बहुत घना और लंबा है। उसको डर लगता है कि मेरे टाइप का बाल मेरे बच्चों को नहीं हो जाए, पतला सा। उनका भी बहुत घना बाल है ना। हाँ बहुत घना, ये तो कुछ नहीं, इससे भी घना। और हमारे क्षेत्र के बीजेपी के नेता भी हैं क्या बिंटू जी, और साथ में सलोन के मालिक भी यही हैं। वाह सगुन कितनी प्यारी लग रही है, लग रही 2 साल की बच्ची। इधर देखना सगुन, प्यारी सगुन, बेबी सगुन, की सुजा सा बन गई सगुन तुम। ले 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 ले, अब तो बाबू हो गई। प्यारी लग रही सगुन, और तुम ये भला कान में पहनी हो ना, और प्यारी लग रही हो तुम। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी दूध वाला आया तो दूध देने, इसने क्या बोल रहा था सुनिए ना। वाले अंकल को ना उस सीम का आदत लग गया है, तो एक दिन ऐसे ही लालच करते करते तो हम लोग बोले थोड़ा तोड़ लीजिए। बोलेगा थोड़ा सा तोड़ेंगे, जल्दी जल्दी हाथ चला के काफ़ी सारा तोड़ लिए। आज बोल रहे हैं कि आलू के साथ थोड़ा मिला देते हैं तो सब्जी अच्छा लगता है। आलू के साथ थोड़ा सब मिला देंगे ना, मज़ा आ जाएगा। तो हम बोले अंकल हम लोग संडे को सब तोड़ लिए, अब तो सब कच्चा कच्चा बचा हुआ है। चावल बचा है इसको हम जा रहे तो अच्छे से फ्राई कर देंगे अंडा देके, और प्याज और वो बीन्स तोड़े हैं उससे बहुत ही टेस्टी वाला, और वो बना के अभी रख देंगे, फिर सगुन आएगी तो गर्म करके खिला देंगे। और ये तो जा रहा है ऑफिस, हम तो पैर हाथ मोड़ मार के हम बच्चा को लेके कंबल के अंदर रहेंगे ना, क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगा ना, फिर से दिक्कत भी होगा, पैसा भी खर्च होगा, बहुत सारा परेशानी आ जाएगा। और सगुन का ना बाल जो है, आप लोग देखें ना वीडियो, हमको मालूम है आप सभी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सगुन का लंबा लंबा बाल था, आप लोग हमेशा उसको उस लुक में देखे, और अभी टकला देखिएगा। हम लोग तो एक सप्ताह से देख रहे क्योंकि उसको बहुत पहले से कटवा दिए, लेकिन हम आज बता पा रहे हैं आप लोग को, तो इसलिए जरूरी था ना, क्योंकि जब मुंडन हुआ था ना तो उसका एक ही बार बाल कटा था से बच्चा में ही, उसके बाद वो कटाई ही नहीं, कंटिन्यू बाल लंबा रह गया। हमको भी थोड़ा लालच आ गया, लंबा बाल में अच्छी लगती थी, ये मना कर रहा था लेकिन हम नहीं माने, क्योंकि अभी अभी जो जरूरी है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि बाल उसका घना होना जरूरी है। जितने पापा भाई बोल रहे जाओ, जब प्रणाम कर लो, जाओ जाओ। तो ये अपने पापा को रोज ही प्रणाम करता है बच्चा, कर लो जल्दी करो, जल्दी करो। खुश रहो कृष्णा, खुश रहो अल्लाह, तुम तो किशन भगवान है, तुमको प्रणाम हम लोग करेंगे। हाँ ये आदमी को प्रणाम नहीं करना, ये आदमी प्रणाम के लायक नहीं है, तो इसीलिए सगुन को हम लोग, हम गंजा के स्पेशली गंजा कर देंगे। वो तो बेचारी बहुत रो रही थी, लेकिन उसको हम 2 महीने से वो चीज दिमाग में डाल रहे थे कि सुंदर बाल आएगा, सुंदर बाल। किसी दे रहे थे, इसको किसी नहीं देना, इतना बाप नहीं है, बाप है, बाप है नहीं। कौन है? आप लोग थोड़ा सा मेरे शब्दों पे जाते होंगे, लेकिन हमारा आपस में यही है, अगर ए जी वो जी ये सब सूट नहीं करता एक्चुअली में, जो है रियल है, आप लोग आपस में ऐसे ही है। अब फ्रेंड लोग क्या बोलेगा उसको, आप ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना, लड़ाई भी झगड़ा भी सब कुछ है। तो आप लोग बताइएगा कि सगुन के साथ बच्चा किए कि नहीं, फ्यूचर का सोच के, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर 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 लिखिएगा, और अच्छा अच्छा बात लिखिएगा ताकि सगुन मोटिवेट हो। और सगुन आप लोग के चलते कैमरे में नहीं आ रही है, जब भी देख रहे होंगे टोपी में रहती है, लेकिन हल्का सा इधर देखते होंगे साफ सुथरा, मतलब बाल नहीं है इसलिए। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, पूछती है कौन सा कमेंट, यार गैस बंद है कब से, आपको पता ही नहीं चला।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।